माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। सुप्रवीण आप लोगों के साथ है और अब हम लोग ऐसे समय पर आ गए हैं जब आपके सामने जो रिजल्ट है उसका शॉर्टली वाला नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और कल 1 अप्रैल आपके सामने बहुत सारा ऐसा नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आएगा जब रिजल्ट का भरमार हो जाएगा। तो क्या इसी बीच SBI क्लर्क का भी रिजल्ट आ जाएगा? और मेरा लास्ट वीडियो जो SBI से रिलेटेड था उसमें आप देखोगे तो बहुत सारे कैंडिडेट ने ये बोला कि SBI अपना रिजल्ट जो 31 मार्च को ही दे देगा। बट देखो तो समहाउ इट्स इम्पॉसिबल बिकॉज 4 मार्च को SBI ने अपना फाइनल एग्ज़ाम लिया था और आज आप देखो तो SBI अपने रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं कर सकता बिकॉज यू नो जो पास्ट रिकॉर्ड आप देखोगे, चाहे आप SBI PO का ले लो या SBI क्लर्क का ले लो, वो ऑलमोस्ट 40-45 डेज़ के बाद ही रिजल्ट आता है। तो 45 डेज़ जो है वो आपका फर्स्ट ऑफ वीक अप्रैल के बाद ही होगा, मतलब मिड ऑफ अप्रैल के आसपास आता है। बट माय डियर फ्रेंड्स, SBI क्लर्क का रिजल्ट अगर थोड़ा लेट से ही आए तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा बिकॉज उससे पहले IBPS PO का रिजल्ट आ जाएगा और उससे पहले IBPS क्लर्क का रिजल्ट आ जाएगा। और साथ ही हम लोगों ने ये देखा कि बहुत सारा ऐसा इंश्योरेंस सेक्टर का रिजल्ट आपके सामने आया। तो कहने का ये मतलब है कि इंश्योरेंस सेक्टर का जितना भी रिजल्ट आया वो कभी भी SBI क्लर्क या फिर IBPS PO ज्वाइन नहीं करेगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि इंश्योरेंस सेक्टर फार बेटर है आज के टाइम पे बैंकिंग सेक्टर से। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि जो कैंडिडेट IBPS PO ज्वाइन कर लेता है वो कभी भी SBI क्लर्क ज्वाइन नहीं करेगा और इसका सीधा का सीधा वेटेज SBI क्लर्क के वेटिंग लिस्ट पे आ जाता है, क्योंकि जिन कैंडिडेट ने IBPS PO निकाला है वो डैम से और रखो कि SBI क्लर्क का फॉर्म तो फिल किया ही होगा और SBI क्लर्क उनका निकलेगा ही निकलेगा अगर वो अपने लेवल को IBPS PO तक पहुंचा दिए हैं तो। और दूसरा ये बात होता है कि IBPS PO का आप प्रिपरेशन कर लो या इस बार का स्पेशली SBI क्लर्क का अगर मैं लूँ तो देखो ऑलमोस्ट सिलेबस जो था ना, ऑलमोस्ट जो लेवल था एग्ज़ाम का वो बिल्कुल सेम था। अब देखो हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है, हार्डवर्क का जो रिज़ल्ट है ना वो आने वाले टाइम पे आपको मिलेगा। आप ये देखो कि जो एग्ज़ाम है, जो अभी एग्ज़ाम हुआ, वो एग्ज़ाम के बाद आपके पास मुश्किल से 2 महीना बचता है और जब आप फिर से एग्ज़ाम के सिलसिले में वापस एंटर कर जाओगे और वो मंथ कौन सा होगा? अगस्त का मंथ होगा। अगस्त के मंथ से ही आपका एग्ज़ाम जो IBPS का कैलेंडर है वो स्टार्ट हो जाता है और चालू हो जाएगा। फिर आपके सामने प्री मेंस, RRB का प्री मेंस, ऐसा बहुत सारा एग्ज़ाम आ जाएगा। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, जो टाइम मिला है ना उस पर अपने लेवल को, अपने हार्डवर्क को इतना तेज कर दो ताकि आप उस लेवल तक पहुंच पाओ। और जहां तक बात रहता है SBI क्लर्क का, उसमें ये मानो कि SBI क्लर्क का थोड़ा डिले ही होता है रिजल्ट, तो वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा क्योंकि आपके लिए ऑलमोस्ट जो वेटिंग लिस्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कैंडिडेट जो एक बार ज्वाइन कर लेते हैं वो IBPS PO अगर ज्वाइन कर लेंगे तो वो SBI ज्वाइन नहीं करेंगे, और जो कैंडिडेट इंश्योरेंस सेक्टर ज्वाइन कर लेंगे वो कभी भी SBI या IBPS पे नहीं जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, तो मेरा यही मैसेज था आप लोगों को कि जो अभी टाइम है उस टाइम का यूटिलाइजेशन करो। और जहाँ तक रिजल्ट का बात है वो डैम श्योर है कि मतलब मिड ऑफ अप्रैल में आपका आना ही आना है, तो तब तक अपने लेवल को कम मत होने देना। बाकी आप लोग बहुत मैच्योर हो इनफ, आप लोग इतना इंटेलिजेंट हो, आप लोग इतना हार्डवर्क कर रहे हो, इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप समझते हो। बाय द वे, मेरा हमेशा आप लोगों के साथ बेस्ट विशेस रहेगा कि जो कल का आपका शॉर्टली वाला नोटिफिकेशन हो उसमें आपका रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव हो। माय डियर फ्रेंड्स।